तो ये साइंस म्यूजियम में कुछ आप देख सकते हैं गाइडलाइंस। तो यहाँ पे जो म्यूजियम की टाइमिंग है वो 10 से 5 बजे के बीच में है और मंडे क्लोज रहता है। टिकट प्राइस है टीचर्स और स्टूडेंट के लिए 50 रुपये और विजिटर्स के लिए। हेलो सर, हेलो। अभी हम चलते हैं सर के साथ एक्सप्लोर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो महान महान साइंटिस्ट है। अरे वाह, मेरे फेवरेट स्टीफन हॉकिंग आप देख सकते हैं, गैलीलियो, न्यूटन, और आप ये देख सकते हैं ये एंट्री। तो ये 2 दिन पहले जो हिमाचल के सीएम है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इनोग्रेट किया था। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। ये क्या है? ऑल रोड लीड टू रोम, ग्रेट। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो अप और डाउन ये देख सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। और सर और बताइए। अच्छा, मैजिक टैप ये देख सकते हैं आप। और इसके अदर देन ये रोटेटिंग रिंग्स, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अरे वाह, ओके। तो ये रोटेटिंग रिंग्स आप देख सकते हैं। और ये क्या है? कलर पिरामिड, कलर पिरामिड, ठीक है। और भी बहुत सारी, अरे वाह, पावर ऑफ मोमेंटम। तो आपने फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। दो मैंने अगर यहाँ से छोड़े तो उस तरफ भी दो ही जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम जैसे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 छोड़ता हूँ तो उस साइड भी 3 ही जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। इसके बारे में देखो, जो भी साइंस के बच्चे हैं तो उनको लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी यहाँ की। और ये है फ्लोटिंग बॉल। तो ये, अरे वाह, फ्लोटिंग बॉल, ग्रेट। इन्फिनिटी कर्विंग टनल, गुड। लूप द लूप, छल्ले में छल्ला। तो यहाँ पे ये जैसे गेम है, इसको मैं लेके जाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे गया, इसके बारे में देखेंगे कि जैसे मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ तो ये देखिए हमेशा ऊपर की, जैसे मैंने छोड़ा ये अपने आप ऊपर की तरफ जाए। कलाबाज छड़ी, अरे वाह, अच्छा इसको इस तरीके से वो पिन है, ठीक है। मैसेज फ्रॉम डेप्थ, इसमें नीचे से जाएंगे बिल्कुल ऊपर जाके बड़ा हो जाएगा। ओके, एनर्जी बॉल, जैसे आप देख रहे हैं लिक्विड का जो कलर है येलो, ब्लू और रेड। तो जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये मिक्स हो जाएगा, लाइक मिक्स हो रहा है, पर इम्पॉसिबल मिक्सचर है तो ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे अभी, तो देखेंगे आप येलो अलग ही हो गया, ये मिक्स नहीं हुआ, और अपना ब्लू अलग हो गया और रेड अलग हो गया। अब बात करते हैं म्यूजिकल इंफ्रारेड हार्प, स्टिक के दोनों सर को अगर अपने हवा को मिला ध्यान दे, जब हाथ को अलग अलग स्थान पर ले जाते
संगीत के अलग अलग स्वर निकलते हैं, अपने हाथ को क्रमबद्ध रूप से नहीं, है ना? मैं अगर बता देखने में लगता है कि ये पहुंचेगी, पर जैसे ये है ना इस तरीके से ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका वो ज्यादा होता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो भाई ये थोड़ा सा क्या बात है। अरे यार, सबसे पहले यहाँ से व्यू देखो आप। ये साइंस म्यूजियम जो जिस लोकेशन पे है ना, मतलब यहाँ से अमेजिंग ही व्यू है। और पास में ही हमारा है, यहाँ से दिखना है तारा देवी टेम्पल, तो देखो टॉप पे है वहाँ पे, वो रहा तारा देवी टेम्पल वो रहा। और वहीं पे पास में यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल द एल्पाइन रिट्रीट, और ये इतना अमेजिंग यहाँ पे म्यूजियम। एवरीवन, सो अभी मैं हूँ साइंस म्यूजियम में, जो कि है शोघी में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो हम धीरे धीरे एक एक उसमें रूम में जाके डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं साइंस के बारे में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। एल्पाइन रिट्रीट से पास में ही तारा देवी टेम्पल यहाँ से दिखता है, और बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे है ये जो म्यूजियम बनाया हुआ है। आप यहाँ से देखेंगे, जैसे मैंने आपको व्यू दिखाया, बहुत अच्छा व्यू है, और यहाँ पे आपको काफ़ी साइंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एंट्री टिकट जैसे कि मैंने बताया, स्टूडेंट्स और टीचर के लिए 50 रुपये है, और बाकी जो अदर विजिटर्स हैं उनके लिए सिर्फ 100 रुपये की है। पर यहाँ पे जो आपको लर्निंग मिलेगी उस वो बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे आइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। साइंस में भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो आपको आपने बुक्स में थ्योरीज में पढ़ा था वो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आप यहाँ पे आए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। 2 दिन पहले ही ये इनॉग्रेट हुआ है, यहाँ पे CM जो है हिमाचल के वो आए हुए थे, इनॉग्रेट हुआ था। अब ये ओपन है, मंडे को क्लोज रहता है, और उसके बाद बाकी 6 दिन ये ओपन है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू। हम हैं सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हमने एक्सप्लोर कर लिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट जैसे सीवी रमन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। देयर इज नथिंग वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड। आप यहाँ पे लाइब्रेरी देखिए, ये देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बुक्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बुक्स वगैरह है, काफ़ी बुक्स हैं यहाँ पे, फिजिक्स की बुक्स हैं, और भी डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजी बुक्स है। और यहाँ पे आप देखिए व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, और वो तारा देवी टेम्पल, वहाँ से व्यू देखिए। ये आपकी लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी, यहाँ पे पढ़ो, और ये व्यू देखी है ऐसी लाइब्रेरी कभी आपने पहले? मजा आ गया यहाँ पे आके। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे ऑडिटोरियम में, आ जाइए। तो आप ये देखिए ऑडिटोरियम, कुछ भी यहाँ पे स्पीच वगैरह करनी है, कुछ भी यहाँ पे इंटरेक्ट करना है ऑडियंस के साथ, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं। हेलो, साइंस इज अमेजिंग। तो यहाँ पे आप स्पीच इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, तो काफी बढ़िया है। ये प्रोजेक्टर लगा हो, प्रोजेक्टर से कंप्लीट यहाँ पे जो भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है वो आप दे सकते हैं। सो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो ये देखिए कॉन्फ्रेंस हॉल, तो यहाँ पे ये LCD, अमेजिंग व्यू, टेबल बैठने के लिए, और यहाँ पे जब रिसर्च होगी साइंस के बारे में क्या मजा आएगा यार। और यहाँ से व्यू देखिए भाई, ये ऐसी लोकेशन है, और जो ये साइंस म्यूजियम है ना, ये सबसे लाइक यहाँ पे जितनी हिल्स है सबसे टॉप पे, आपको बहुत दूर से ही दिख जाएगा कि देखो वो साइंस म्यूजियम रहा। और कल हम तारा देवी टेम्पल पे गए हुए थे, तो वहां से भी हम आपको दिखा रहे थे कि ये देखो द एल्पाइन रिट्रीट है, ये देखो आपका साइंस म्यूजियम है। तो काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। और अभी हम एक्सप्लोर करते हैं, अभी हम जानते हैं वहाँ पे कैसा इंटरैक्टिव रूम, एक साइड
ये है इंटरेक्टिव रूम और यहाँ से देखिए आप व्यू, व्यू देखिए नीचे का व्यू और सामने तारा देवी टेम्पल। और जो ये नई कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है यहाँ पे, इसी का साइंस म्यूजियम का पार्ट बन रहा है, सौरमंडल करके है जो अभी हमें पता चला। और यहाँ से व्यू सब एक्सप्लोर करके आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब एक्सप्लोर किया और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लिफ्ट वगैरह भी देख सकते हैं। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर, इफ आई नेवर फेल हाउ विल आई एवर लर्न। ये था कंप्लीट इस साइंस म्यूजियम के बारे में। अगर यहाँ पे हॉस्टल भी है साइड में, हॉस्टल में आपको अगर स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी का, अवेलेबल है वहाँ पे रूम्स या नहीं है, तो आप कहीं स्टे वगैरह भी कर सकते हैं। पास में ही मंदिर है। सो जी, ये आपने देखा अभी साइंस म्यूजियम शोघी में, तो अभी हम वहाँ से विजिट करके आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्टे का ऑप्शन है, जैसे मेरी बात हो रही है ये यहाँ पे स्टे का है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या जो विजिटर्स है जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे स्टे का अगर पहले देख सकते हैं फ़ोन पे बात करके। वेबसाइट का लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ की, तो फ़ोन पे बात करके पूछ सकते हैं, अपना स्टे वगैरह पहले बुक करवा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से एंट्री आप देख सकते हैं, विजिट अस अगेन। सो ये देखिए कितना बढ़िया बना रखा है। मैं यहाँ पे एक साल पहले भी आया था, तब कुछ नहीं था यहाँ पे, बस लाइक रूम थे, पर अभी जैसे कि आपने देखा कंप्लीट अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है। सो अभी हम चलते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर आपका थैंक यू वेरी मच, आपने हमें पूरा विजिट करवाया म्यूजियम को। और अभी हम चलते हैं अपने होटल द अल्पाइन रिट्रीट। एंट्री करेंगे यहाँ पे, एंट्री गेट पे आपको देखो ये बड़े बड़े यहाँ पे देखो आप कोट्स और जो महान साइंटिस्ट है उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे, जैसे पत्थर पे, जैसे ये आप देख रहे हैं ये पत्थर है, जैसे पत्थर पे देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन, वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग और बहुत सारी ये लकड़ी के जो है, लकड़ियों पे देखो ये बने हुए हैं। तो इनको देख के ही मतलब ये कोट्स आप पढ़ेंगे, यहाँ से व्यू देखेंगे तो आपको एक अलग ही यहाँ पे, एक अलग ही आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ से आप स्टे वो ऊपर म्यूज़ियम, ये स्टे, स्टे में जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्टे करना है, टीचर्स को या बाहर से जो गेस्ट आ रहे हैं तो वो यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और भाई इंडिया ऑन मून, क्या बात है, इसका तो कहना ही क्या, इंडिया ऑन मून, बहुत काफ़ी मोटिवेट हो जाओगे आप यहाँ पे आके, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। और नेचर के बीच में ऐसी लोकेशंस, भाई साहब मस्ट विजिट लोकेशन है ये, मस्ट विजिट। इवन मैं तो कहता हूँ शोघी की, अगर आप शिमला में भी आओ ना, तो तारा देवी टेम्पल, तारा देवी टेम्पल और यहाँ पे ज़रूर साइंस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। फाइनली काफ़ी बढ़िया लगा म्यूजियम में जाके, सूरज भाई बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया म्यूजियम में जाके, साइंस म्यूजियम में जाके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कीजिए और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।